गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने जो आपके साथ कल डिस्कस किए थे, हमने कल कुछ ऑपरेटर डिस्कस किए थे आपके साथ। आज हम सी शार्प में कुछ इम्पोर्टेंट भी एक कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने जिस तरीके से हमने देखा कि सी और सी प्लस प्लस में, जैसे सी और सी में हमारा प्रिंट एफ स्कैन एफ यूज़ करते थे हम इनपुट और आउटपुट के लिए, सी प्लस प्लस में सी इन सी आउट यूज़ करते थे। यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं वह हम कंसोल डॉट राइट लाइन और कंसोल डॉट रीड की यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम यहाँ पर कंसोल डॉट राइट और कंसोल डॉट राइट लाइन हम किस लिए यूज़ करते हैं सी शार्प में। तो देखेंगे, द मेन एड ऑन फीचर ऑफ कंसोल डॉट राइट लाइन इज इट मूव द नेक्स्ट स्टेटमेंट टू द नेक्स्ट लाइन, बट इन द केस ऑफ कंसोल डॉट राइट इट कंटिन्यू ऑल द स्टेटमेंट इन अ सिंगल लाइन आफ्टर द एग्जीक्यूशन। मतलब यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन जो है वह हमारा क्या करता है, स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है, स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है। बट हमारा कंसोल डॉट राइट जो होता है वह क्या करता है, उसको उसी लाइन में कंटिन्यू स्टेटमेंट को कर देता है। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन के बाद, मतलब एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, अब हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। देखेंगे यहाँ पर हमने ले रखा है कंसोल डॉट राइट लाइन मैरी, कंसोल डॉट राइट हैरिस, कंसोल डॉट राइट लाइन टॉम एंड कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक, अब हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमने कंसोल डॉट राइट यूज़ किया है। ठीक, कंसोल डॉट राइट यूज़ किया हमने यहाँ पर, तो हम देखेंगे, देखिए मैरी तो हमारा इसी तरीके से आउटपुट में आ गया, देन हैरिस आ गया हमारा। अब यहाँ पर हमने राइट यूज़ करा तो हमारा नेक्स्ट लाइन में तो मूव करेगा नहीं, उसी लाइन में कंटिन्यू हो जाएगा, तो उसी लाइन में हमारा टॉम कंटिन्यू हो गया। ठीक, हम नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन मैरी, कंसोल डॉट राइट लाइन हैरिस, देन कंसोल डॉट राइट लाइन टॉम, देन कंसोल डॉट रीड लाइन। आपने देखा यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट में राइट लाइन का यूज़ किया गया है, यानी कि तीनों हमारे नेक्स्ट लाइन में मूव होकर यहाँ पर सेपरेटली आउटपुट में डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक, तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से हमने देखा कि हम कंसोल डॉट राइट का और कंसोल डॉट राइट लाइन का यूज़ करते हैं। कंसोल डॉट रीड लाइन जो होता है ये हमारे कंसोल स्क्रीन को कुछ समय के लिए होल्ड करके रखता है ताकि हम अपने आउटपुट को इजीली रीड कर सकें। तो आई होप आपको ये डिफरेंस जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं सी शार्प के, जो हमारा सी शार्प एरेस, सी शार्प एरेस। अब आपको भी, आपने सी सी प्लस प्लस में भी पढ़ा होगा एरे टॉपिक, तो उसमें क्या होता है कि एरेज, इसमें भी बताते हैं कि एरेज इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स या सिमिलर एलिमेंट्स एज लाइक सी शार्प। ठीक है, सी शार्प में भी उसी तरीके से क्या होता है, लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एरेज इन सी शार्प इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट। इसमें भी क्या होता है कि सी शार्प में भी क्या होता है कि यह हमारा सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है, एक कलेक्शन होता है, जो कि कंटिगस मेमोरी एलोकेशन रखता है, यानी कि कंटिगस मेमोरी लोकेशन रखता है, यानी कि जिसको हम इंडेक्सिंग के थ्रू स्टोर करते हैं। ठीक है, इन सी शार्प एरे इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड टाइप सिस्टम डॉट एरे। ठीक, यहाँ पर हम सिस्टम डॉट एरे ऊपर, जैसे सिस्टम डॉट हम यूजिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, उसी तरीके से सिस्टम डॉट एरे यूज़ करते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम टाइप बेस, ठीक है, टाइप बेस मतलब इंट में हमने इंट टाइप का कोई एरे ले लिया, हमें उसको पहले ही डिक्लेयर करना होता है, इसलिए हम डेटा टाइप यानी कि टाइप बेस इसको एरे भी बोलते हैं। इन सी शार्प इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, यानी कि सी शार्प में हमारी इंडेक्स जो होती है वह जीरो से स्टार्ट होती है। वी कैन स्टोर ओनली फिक्स सेट ऑफ एलिमेंट्स इन सी शार्प एरे। सी शार्प में हम क्या करते हैं, फिक्स सेट ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ये इसके एक फीचर भी है और एक इसकी एक डिसएडवांटेज भी है कि हम एरे में फिक्स्ड साइज के एलिमेंट्स, फिक्स यानी कि एक लिमिटेड एलिमेंट्स को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक, अब आपने देख रहे हैं यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल में डेटा हमारा लिया गया है 10, 20, 30, 40, इसकी हमने इंडेक्सिंग डिफाइन कर दी, यानी कि इसकी हमने लिमिट डिफाइन कर दी कि यहाँ पर 4 एलिमेंट हमारे इंडेक्स के थ्रू हमने यहाँ पर स्टोर कर रखे हैं, जिसकी इंडेक्सिंग हमने ऊपर डिस्कस करा कि एरे में जो इंडेक्स स्टार्ट होती है हमारी 0 से होती है, तो 0, 1, 2, 3 ये हमारी एरे की इंडेक्सिंग हो गई। अब एडवांटेज के बारे में अगर डिस्कस करें एरे की, तो कोड ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि यहाँ पर हम कोड हमारा कुछ कम हो जाता है लिखने से,
इसलिए हम एरे का यूज़ करते हैं। रैंडम एक्सेस यानी कि इसमें हम कहीं पे भी एक्सेस डेटा को कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इंडेक्सिंग, यानी कि इंडेक्सिंग के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को कॉल कर सकते हैं। इजी टू ट्रैवर्स डेटा, डेटा को भी हम इजीली ट्रैवर्स कर सकते हैं। इजी टू मैनिपुलेट डेटा, डेटा को भी हम इसमें इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये हम एग्जांपल में मैट्रिक्स के थ्रू देखेंगे। इजी टू स्टोर डेटा, डेटा को हम यहाँ पर इजीली स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम इसकी जो बात कर रहे हैं वो डिसएडवांटेज ऑफ सी शार्प एरे, यानी कि एरे की जो डिसएडवांटेज होती है वह यही होती है कि यहाँ पर हम फिक्स्ड साइज हमारा एरे का होता है, जो कि इसकी एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। तो आगे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं सी शार्प के में कितने टाइप्स के एरे हमारे होते हैं, सी शार्प पर हमारे कितने टाइप्स के एरे अवेलेबल होते हैं। तो हम देखेंगे कि सी और सी प्लस पर भी हमने देखा था कि हमारा सिंगल डायमेंशनल, बाई डायमेंशनल यानी कि टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल होते थे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल और जैक्ड एरे होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो मेन हमारे एरे होते हैं, ठीक है, काफ़ी जगह अलग अलग थ्योरी है, लेकिन हमारे मेन ये तीन एरेज होते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्टली अपना सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में। सिंगल डायमेंशन एरे क्या होता है हमारा, कि सिंगल डायमेंशन एरे में हम टू क्रिएट सिंगल डायमेंशन अरे यू नीड टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर द टाइप, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं डेटा टाइप के जस्ट बाद हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं जिसके थ्रू हम एरे को क्रिएट कर सकें, सिंगल डायमेंशन एरे को क्रिएट कर सकें। अब आप देख रहे होंगे नीचे सिंटैक्स में कि हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया है सिंगल डायमेंशनल, तो हम देख रहे हैं कि हमने डेटा टाइप के जस्ट बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है और एरे को डिफाइन किया है। और नीचे आगे हम देखेंगे कि हमने एक इंटीजर में जो एरे की लेंथ रखी है वो 5 एलिमेंट्स की रखी है, एरे में जो हमने लिमिट रखी है वो हमने 5 एलिमेंट्स की रखी है। तो इस तरीके से हम सिंगल डायमेंशनल एरे को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूजिंग सिस्टम पब्लिक क्लास एरे एग्जांपल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने एरे की इंडेक्सिंग करी है, 5 एलिमेंट्स एरे में लिए हैं हमने, ठीक है, फाइव लेंथ लिए उसकी, यानी कि 5 स्टेप्स तक हमारा चलेगा। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे एरे 0 पर हमने 30 करा है, एरे 1 पर हमने 20, एरे 2 पर हमने 30। ठीक, इस तरीके से हमने यहाँ पर एरे की इंडेक्सिंग कर दी। बट ट्रैवर्सिंग में क्या होगा कि वह एक एक स्टेप स्वैप हो जाएंगे, जैसे कि हम अभी इसके आउटपुट में देखेंगे कि हमने इंटीजर में एक वेरिएबल या आई जिसकी हमने स्टार्टिंग जो रखी है वह 0 से रखी है, आई जो हमारा स्मॉलर होगा वो 5 से स्मॉलर होगा, देन आई प्लस प्लस। ठीक, अब कंसोल डॉट राइट लाइन एरे आई, कंसोल डॉट राइट लाइन एरे आई। ठीक, अब हमने यहाँ पर आई को प्रिंट करा रहे हैं, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा। अब हमने देखा कि यहाँ पर देखें आप 10, 0, 20, 0, 30, अब यहाँ पर देखेंगे 5 स्टेप्स तक मूव हुआ, आई की इनिशियल वैल्यू क्या थी 0, इंडेक्सिंग के थ्रू क्या कह दे रखा था एरे 0 इज इक्वल्स टू 10, एरे 1 इज इक्वल्स टू 20, एरे 2 इज इक्वल्स टू 30। ठीक, अब क्या हुआ आई की वैल्यू 0, ठीक, आई की वैल्यू 0, 1 स्टेप पर मूव होता जाएगा, यानी कि पहले उसने 10 प्रिंट करा दिया 0 पर, फिर उसने 1 स्टेप क्या किया ट्रैवर्स कर दिया और वह यहाँ पर 0 फीड हुआ, देन नेक्स्ट स्टेप पर आके वह 20 हो गया, फिर वह नेक्स्ट स्टेप पर मूव हुआ, हमारा 0 फीड करा देन स्पेस में, देन उसने क्या करा 30। तो ये हमारा 5 स्टेप्स तक चला, 5 स्टेप्स के बाद ये हमारा कंसोल स्क्रीन से बाहर आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन हम ट्रैवर्सिंग ऑफ डेटा भी कर सकते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की। मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है ये हमारा रेक्टेंगुलर एरेज भी कहलाता है सी शार्प में, इट कैन बी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ठीक है, और ये जो मल्टी डायमेंशनल बोल सकते हैं इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डायमेंशनल ऑफ 1 डायमेंशन थ्री सॉरी 3 डायमेंशनल द डेटा स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि इसमें जो डेटा होता है वो हमारा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं।
आगे हम मैट्रिक्स के एडिशन का भी देखते हैं, प्रोग्राम बनाएंगे। टू क्रिएट मल्टी डायमेंशनल एरे वी नीड टू यूज़ कॉमा इनसाइडर स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे एरेज में जब हम रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब टाइप डेटा टाइप जो होता है उसके जस्ट बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट जो लेते हैं उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा। देख रहे हैं आप, यहाँ पर इंटीजर के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट अंदर एक कॉमा ले लेते हैं जिससे वो रोज़ और कॉलम्स के लिए बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेस क्रिएट कर देता है। ठीक, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर डिक्लेरेशन हो रहा है। डिक्लेरेशन में हमने क्या करा, 3x3 की मैट्रिक्स यानी कि थ्री रोज़ थ्री कॉलम। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं, देखें इसको। हमने यहाँ पर एक मल्टीपल एरे क्लास ले लिया, मल्टीपल एरे एग्जांपल के नाम से वॉइड फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन करा। यहाँ पर हमने हैंड टू हैंड क्या करा है, एरे की इंडेक्सिंग कर दी है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, है ना। अब आपने भी देखा होगा सी और सी प्लस प्लस में आई और जे जो होते हैं हमारे, वे हमारे रोज़ और कॉलम को डिफाइन करते हैं, अब आपने देखना है i इक्वल टू ज़ीरो, देन i इज़ लेस देन थ्री, देन i++, ठीक है, i++, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा i++। अब आप देखें इंट j इज इक्वल टू ज़ीरो, j इज लेस देन थ्री, देन j++। अब कंसोल डॉट राइट देन एरे i j, ठीक, और कंसोल डॉट राइट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन पर मूव कर देगा। अब आपको बताया यहाँ पर हमने कंसोल के, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर हमने लिया, ठीक है। अब जो हमारा एरे प्रिंट होगा, जो हमारा यहाँ पर मैट्रिक्स प्रिंट होगी वो किस तरीके से प्रिंट होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से हमारी एक मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स प्रिंट हो जाती है। आई होप आपको मल्टी डायमेंशनल और सिंगल डायमेंशनल का प्रोग्राम सी शार्प में अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी का हम एक बार कल और रिवीजन करेंगे इसका, और हम कल आगे का इसका टॉपिक जो है जैक्ड एरे वो डिस्कस करेंगे, और एरे के एक एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है ये डिस्कस करेंगे। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।